पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तान ने 513 बार किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बीते 1.5 महीने में लगभग 513 बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया है और इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से ज्यादा बार भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी का हिंदुस्तानी फोर्स की तरफ से जवाब दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में कितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है हिंदुस्तानी फोर्स की जवाबी कार्रवाई? आप लोगों को जैसे मालूम है कि एलसी के ऊपर सीज फायर वायलेशन होता रहता है, उसमें जो है अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन पिछले 1.5 महीने में 513 सीज फायर वायलेशन हुए, उसके बीच में तकरीबन 100 से ऊपर ऐसा समय था कि जहां पे बड़े हथियार का इस्तेमाल भी हो रहा। आपको ये भी मालूम है कि अभी जो है हाल ही में पाकिस्तान की फौज ने सिविल एरिया पे भी गोलाबारी काफी बार की है। जैसे कल ही सौजिया के इलाके में 4 जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक आपका मीडिया का पर्सनल भी है रमेश बाली, उसको भी इंजरी हुई है। जब भी पाकिस्तान इस तरह की पाकिस्तान की फौज इस तरह की कार्रवाई करती है, हमारी फौज इसको मुंह तोड़ जवाब देती है उसी भाषा में। हम लोगों को अपनी कैजुअलिटी के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर हम उसका सम्मान करते हैं, हमें गर्व है। लेकिन ये देखने में आया अक्सर कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी कैजुअलिटी को डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से उसकी हमारे से 5 से 6 गुना ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है।